पत्रकार बंधुओं का गांधी गोकसई का प्रकरण जो 11/7 को हुआ था उस विषय में आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिस तरह से गांधी गोकसई प्रकरण हुआ उसके बाद से लेकर अब तक जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जो मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही है, उसको लेकर आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मामला माननीय उच्च न्यायालय के अंदर चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के अंदर जब मामला गया उसके बाद से हम लोग, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हमने यही डिसाइड किया कि घटना का जो सारा ब्यौरा है वो माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है और उस पर चल रहा है। हमें ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से कुछ लोग मीडिया में आके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लेकर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। जैसा कि आप सबको पता है कि मामला 11/7/2022 को हुआ, उसके बाद 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, 1 आरोपी की हमने मांग के लिए आंदोलन किया, किस तरह से आंदोलन को उठाया गया, हम 75 लोगों को जेल में डाला गया, जेल में किस तरह से हमारे साथ बर्ताव किया गया, ये सब आप सब भलीभांति जानते भी हो। लेकिन आज का जो विषय है वो विषय हम इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी समझा कि तथ्य के साथ, रिपोर्टों के साथ, प्रूफों के साथ आज हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं, क्योंकि जनमानस के अंदर एक डाउट बना हुआ है कि ये क्या हुआ, उन लोगों पे FIR लग गई, वो छूट गए, तो मामला क्या था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने संगीन मामले में एक टीम आती है और मात्र 6-7 दिन के अंदर ही FIR लगा देती है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, भादरा की दोनों कोर्ट उनकी जमानत खारिज करते हैं और खारिज भी ये कह के करते हैं कि आप गो के हत्यारे हो, आपको जमानत नहीं मिल सकती। बावजूद उसके FIR लगना सब लोगों के मन में एक संशय है, एक डाउट है कि FIR क्यों लगी, ऐसा क्या हुआ। और प्रेस के मेरे बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि जब मामला माननीय उच्च न्यायालय में हो, भादरा की कोर्ट में हो, जमानत ना मिलने का मतलब है कि ऐसा क्या देखा हाईकोर्ट के जज ने, यहाँ बैठे ADJ ने क्या ऐसा प्रूफ देखा जिससे उन्होंने उनकी जमानत खारिज की। यानी पुलिस द्वारा एक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जाती है। तथ्यात्मक रिपोर्ट का मतलब है कि सबूतों के साथ, प्रूफों के साथ जो रिपोर्ट बना के पुलिस भेजती है उसी के आधार पर हाईकोर्ट, चाहे वो निचली कोर्ट हो, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय हो, वो उनकी जमानत खारिज करता है। ये मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनमानस को बता देना चाहता हूँ कि पुलिस ने जो तथ्यात्मक रिपोर्ट यानी फैक्चुअल रिपोर्ट जो पेश करी थी उसके आधार पे उनकी जमानत खारिज हुई थी। और तथ्यात्मक और फैक्चुअल रिपोर्ट तभी पुलिस पेश करती है जब उनके पास प्रूफ होते हैं। बिना प्रूफ के पुलिस तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश नहीं कर सकती, ये आप सब भली भांति जानते हो। तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के बाद एक टीम यानी SIT की टीम गठित होती है। SIT की टीम बहुत अच्छा काम कर रही थी, 2-3 दिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि आनन फानन में कुछ रसूखदार लोग, कुछ जनप्रतिनिधि जयपुर जाते हैं और जयपुर जाकर
एसआईटी की टीम को चेंज करवा के ये जांच सीआईडी सीबी को दे देते हैं। सीआईडी सीबी की टीम आती है, वो अपनी जांच करती है, लेकिन जिस तरह से वो जांच कर रही थी उनका जो रवैया था वो हमें डाउटफुल था, क्योंकि हमने पहले भी दो बार तीन बार बयान दिए, वो पुलिस में भी दिए हैं, थाने में भी दिए हैं, हमने एसआईटी की टीम को भी दिए हैं, लेकिन सीआईडी से भी जिस तरह से हमारी रिपोर्ट बना रही थी, हमें संशय था, डाउट था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जब हम थाने में बयान दे रहे थे तो बहुत से रसूखदार लोग थाने में बैठे रहते थे, तब भी हमें डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ पेश करना चाहता हूँ, चूँकि मैं नहीं चाहता कि इस प्रेस वार्ता में कोई भाषणबाजी हो, और मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि हम नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी प्रेस वार्ता हो, लेकिन कुछ लोग चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से लाइव आकर हम हिंदू भाइयों पर कटाक्ष कर रहे हैं, हम हिंदू भाइयों की किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब देखो क्या हुआ, वो तो एफआईआर लग गई, वो तो छूट गए। ठीक है, एफआईआर लगना छूटना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो चलती रहती है, क्या एफआईआर वापस भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका दूसरा एक मैं तथ्यात्मक की एक कॉपी आप सबको मीडिया बंधुओं को मैं दे दूंगा। सबसे मेन पॉइंट आता है सेक्शन 27। मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई वकील साथी बात सुन रहा है या मेरे कोई नौजवान साथी इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहा है, सेक्शन 27 का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने जुर्म किया उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, पुलिस गिरफ्तार करने के बाद रिमांड के साथ साथ उनसे पूछताछ करती है। केवल पूछताछ के अंदर वो बता दे कि मैंने ये काम किया है, वो केवल प्रूफ नहीं है। सेक्शन 27 ये कहता है कि आपने जो काम किया उस काम में जो जो औजार, जो जो सामग्री, जो जो चीज़ें आपने इस्तेमाल की, वो चीज़ें पुलिस बरामद करेगी, बरामद करने के बाद वो अपने पास लेगी, उसके बाद मुलजिमों के बयान नोट करेगी। ये सेक्शन 27 है। यानी किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो पुलिस वालों ने डरा धमका के पूछ लिया, तो डराया धमकाया तो हमें भी था, मारा तो हमें भी था, लेकिन हमने तो कोई ऐसी चीज़ कबूली नहीं। अगर हम ड्रग के मारे, मार के मारे कह देते कि हमने कोई गलत काम किया है, तो पुलिस कहती चलो दिखाओ आपने गलत काम कहाँ किया है, किससे किया है, वो औजार कहाँ हैं, वो बचे हुए पार्ट कहाँ हैं, तो हम क्या जवाब देते। लेकिन सेक्शन 27 ये कहता है कि आप कबूल तो कर रहे हो, लेकिन कबूल के साथ साथ आप उन चीज़ों को जहाँ जहाँ आपने यूज़ कर इस्तेमाल कर छुपाई है, दबाई है, फेंकी है, वो सारी की सारी चीज़ें पुलिस सबूत करेगी, अपने पास लेगी, तब जाके वो एक फाइल बनाएगी। यानी सबसे बड़ा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सेक्शन 27 के प्रूफों के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। मुझे आशा है कि सेक्शन 27 का जो मतलब है वो आप लोग समझ गए होंगे। किसी को डरा धमका के पूछना ही नहीं होता, सारी चीज़ें सबूत करना इस बात का गवाह है कि उन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है। जघन्य अपराध करने के साथ साथ अब वो लोग या उनके मीडिएटर लाइव आकर झूठ बोलना, जैसा कि अभी दो दिन पहले एक चैनल के अंदर वो इंटरव्यू दे रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, 13 बार झूठ बोला उन्होंने, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है उनका, उन्होंने 13 बार
13 बार ऐसी ऐसी झूठ बोली है जो आप लोग भी सुनोगे तो एक बार आप लोग भी ये कहोगे कि यार एक वकील होकर इतनी झूठ, क्योंकि आप किसी भी चैनल के सामने जब जाते हो तो या तो तथ्य के साथ जाओ, प्रूफ के साथ जाओ। आप एक बार झूठ बोल सकते हो, दो बार झूठ बोल सकते हो, बार बार अगर आप झूठ बोलोगे तो चैनल और चैनल के लोग आपको नकारा और झूठा साबित कर देंगे। आज तक आप सब लोगों के सामने मैं इंटरव्यू देता आया हूँ, आप मेरी एक भी बात झूठी साबित कर दीजिए, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ इंटरव्यू देता हूँ, प्रूफ के साथ लाइव आता हूँ। सेक्शन 27 का मैंने आपको बड़े बारीकी से समझाया, अब मैं सेक्शन 27 के द्वारा उन लोगों के बयान यानी उन मुलजिमों के बयान आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सेक्शन 27 बयान नंबर 1, फारूक खां वो पुत्र मोहम्मद हारून अपने पहले बयान में ये कहते हैं, मुलजिम फारूक पुत्र मोहम्मद हारून कुम्हार मुसलमान उम्र 32 साल निवासी चिड़िया गांधी पुलिस थाना बिरानी हनुमानगढ़, मैंने एक छुरा मेरी दुकान में एक स्थान पर छुपा रखा है, मैं साथ चलकर बता सकता हूँ। ये पहला बयान है फारूक खां का, सेक्शन 27 के तहत ये बयान है जिसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। सेक्शन 27 के तहत उसका दूसरा बयान है, मोहम्मद हारून कुम्हार मुसलमान 32 साल निवासी चिड़िया गांधी पुलिस थाना विराणी ने, ये वो सेम बयान है एक नंबर का जो मैंने आपको बताया। नंबर दो बयान, अभियुक्त फारूक पुत्र मोहम्मद हारून कुम्हार मुसलमान उम्र 32 साल निवासी चिड़िया गांधी पूर्वी मुखी दुकान के सेटर के पास पहुंचकर दुकान के सेटर के पास स्वयं के द्वारा रखी गई एक सीमेंट पट्टी के नीचे छुपाकर रखी चाबी निकालकर दुकान के लगे सेटर का ताला खोलकर दुकान में प्रवेश कर दुकान के आगे एक कट्टा जिसके पीछे छुपाकर रखे हुए एक लोहे का छुरा व एक लकड़ी का गुटका निकालकर बताया कि मैंने दिनांक 11/7/2022 को सुबह के करीबन 4 बजे इसी छुरा से गाय की एक बच्ची को काटा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, गाय की एक बच्ची को काटा है, वह इस लकड़ी के टुकड़े पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े किए थे। इस पर पुलिस अभिरक्षक अभियुक्त फारूक के द्वारा एक लोहे का छुरा व एक लकड़ी का गुटका फरवक्त प्रयोग में लिए गए औजारों को पेश कर हमने कब्जे में लिया है। लुइया और लोहे का छुरा, छुरे की लंबाई फन की लंबाई 25 सेंटीमीटर, कुल लंबाई 42 सेंटीमीटर, हत्थे की लंबाई 13 सेंटीमीटर, हत्थे के दोनों तरफ लकड़ी कसी हुई है जिसमें 3 स्क्रू लगे हुए फन धारदार हैं। उसको मुलजिम फारूक घटना के पश्चात पानी से अच्छी तरह धोकर यह छुपाना बताया गया है। हलिया लकड़ी का गुटका, गुटका गोल आकार में लकड़ी की पेडी का है, गुटके की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 27 सेंटीमीटर है, जिस पर मांस कटा हुआ है प्रतीत हो रहा है। अभियुक्त ने यह जानकारी बताई है और पानी से धोकर इसको छुपाया बताया गया है। बयान नंबर 2, उसी मुलजिम फारूक पुत्र मोहम्मद हारून का बयान नंबर 3, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, एक स्टेटमेंट नहीं है। पुलिस अभियुक्ता में अभियुक्त फारूक पुत्र मोहम्मद हारून कुम्हार मुसलमान उम्र 32 साल निवासी चिड़िया गांधी पुलिस थाना बिरानी के आगे पैदल चलकर सड़क के खाली जगह में बने हुए गहरे गड्ढे के पास खड़ा होकर हाथ का इशारा कर बताया कि दिनांक 11/7 को सुबह मैंने और मेरे साथियों ने एक गाय की बच्ची को काटा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक गाय की बच्ची को काटा था, उसके बाद गाय की बच्ची की हड्डी आदि अवशेष बचे थे वो मैंने यहाँ लाकर डाले थे, गड्ढे में हड्डियाँ आदि अवशेष दिखाई दे रहे हैं जो मैं साथ चलकर बता सकता हूँ। ये तीनों बयान फारूक पुत्र मोहम्मद हारून ने 3 बार अलग अलग अपने बयान दिए, जो सेम बयान है अलग अलग डेट में दिए गए। आमिन पुत्र रहमत खां जो दूसरा मुलजिम है, मुलजिम आमिन खां पुत्र रहमत खां कुमार मुसलमान उम्र 52 साल निवासी गांधी बड़ी पुलिस थाना बिरानी ने अपनी स्वेच्छता से ये इत्तला दी है कि मैंने एक दरात
मैंने एक दरात गांव चिड़ियागंदी के एक गली में पड़े ईंटों के ढेर में छुपा कर रखा हुआ है, मैं साथ जाकर बता सकता हूँ। ये आमिन का बयान है। आमिन का बयान नंबर दो, आमिन खां पुत्र रहमत खां कुमार मुसलमान, उम्र 52 साल, निवासी गांधीबड़ी पुलिस थाना बिराने जिला हनुमानगढ़। चिड़िया गांधी की दीवार के पास पट्टी ईंटों के ढेर में नीचे छुपा कर रखा हुआ एक लोहे का दरात निकालकर पेश कर बताया कि मैंने दिनांक 11/7 को सुबह करीबन 4 बजे इसी लोहे की दरात से एक गाय की बच्ची को काटा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक गाय की बच्ची को काटा है। इस लोहे की दरात से गाय की बच्ची के मांस को छोटे छोटे टुकड़े किए थे, जिस पर पुलिस अभिरक्षा अभियुक्त द्वारा अमिन द्वारा बताए गए प्रयोग लिया गया एक लोहे का दरात पेश कर कब्जे में लिया गया है। उसने अपनी जो लोहे की दरात थी उसकी सारी व्याख्या की है। लंबाई उसकी 21 सेंटीमीटर है। फन जो आगे से धारदार है वो 21 सेंटीमीटर की है। स्टैंड आगे से थोड़ा पतला व पीछे से चौड़ा है, जिसका मुलजिम अमिन घटना के पश्चात पानी से अच्छी तरह धोकर छुपाना बताया गया है। मुलजिम नंबर दो अमिन ने जो अपने बयान दिए हैं वो बयान मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं। मुलजिम नंबर तीन मुलजिम अनवर पुत्र मोहम्मद हारून कुमार, उम्र 22 साल, निवासी चिड़ियागंदी पुलिस थाना बिराणी जिला हनुमानगढ़ के सामने इत्तला दी है, हमने जो गाय की बलि दी थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने जो गाय की बलि दी थी उसके बचे हुए अवशेष मैंने रोही गांधी बड़ी स्थित एक खेत में गड्ढा खोदकर दबाए थे, जो मैं साथ चलकर बता सकता हूँ। आरोपी नंबर तीन अनवर पुत्र मोहम्मद के ये बयान है, मैं इसकी एक कॉपी आपको मैं दे सकता हूँ। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा वक्त ना लूँ इसलिए बयान मैं आपको सारे दे दूँगा, पर एक एक करके सबके बयान मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मुलजिम नंबर चार रजाक पुत्र मुंशी खां, सेक्शन 27 में ये बयान देते हैं। रजाक खां पुत्र मुंशी कुमार मुसलमान, उम्र 42 साल, निवासी गांधी बड़ी पुलिस थाना बिराणी। मुखी मकान में प्रवेश कर अपने मकान में बनी बैठक के पास में बने उत्तरी दिशा मुखी कमरे में प्रवेश कर कमरे में रखे पुराने प्लास्टिक कट्टा व बोरियों के नीचे छुपाकर रखी हुई एक लोहे की बड़ी चाकू निकाल कर बताया कि मैंने दिनांक 11/7/2022 को सुबह के समय करीबन 4 से 5 बजे इसी चाकू से गाय की बच्ची को काटा था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गाय की बच्ची को काटा था। लुइया लोहे की बड़ी चाकू, जिस गाय की बच्ची को जिस औजार से काटा था उसका ब्यौरा इसने बताया है। चाकू लोहे का है, चाकू के हत्था पर दोनों साइड काली प्लास्टिक 3 पेज लगाकर लगी हुई है। चाकू की कुल लंबाई 28 सेंटीमीटर है, फन की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, हत्थे की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। आगे से नकुली व फन धारदार है, जिसकी मुलजिम रजाक खान घटना के पश्चात पानी से अच्छी तरह धोकर छुपाना बताया गया है। मुलजिम नंबर चार रजाक खान पुत्र मुंशी खां, इन्होंने सेक्शन 27 के अंडर में अपना बयान दिया है जो इन्होंने कबूला है। मुलजिम नंबर पाँच फारूक पुत्र मकबूल खां, सेक्शन 27 के अधिनियम बयान देते हैं कि फारूक खान पुत्र मकबूल खां कुम्हार मुसलमान, उम्र 22 साल, निवासी चिड़ियागंदी पुलिस थाना में बयान देते हैं। मुख्य कमरा के प्रवेश कर कमरे में रखे एक कार्टून के पीछे छुपाकर रखी हुई एक लोहे की छुरी निकालकर पेश कर बताया कि मैंने दिनांक 11/7/2022 को सुबह करीब 4 बजे इसी छुरी से गाय की बच्ची को काटा था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गाय की बच्ची को काटा था। जिस लोहे की छुरी से इसने गाय की बच्ची को काटा है उसका पूरा विवरण दे रहा है। छुरे लोहे की है, छुरी की कुल लंबाई 30 सेंटीमीटर है, फन की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, लोहे की हत्थे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आगे से नुकुली है, वह फन धारदार है, जिसको मुलजिम फारूक खान घटना के पश्चात पानी से अच्छी तरह धोकर छुपाना बताया गया है। ये मुलजिम नंबर पाँच फारूक पुत्र मकबूल खां के बयान है जो सेक्शन 37 में है। मैं आपको इसकी प्रत्येक कॉपी, इसके जितने भी बयान हैं, जिस डेट को है, मैं सारी आप
पत्रकार साथियों को दे दूंगा। और पत्रकार साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने घटना करी उन लोगों को कुछ रसूखदार लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना इतनी निंदनीय होने के बाद भी आप लोग जिस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह का, आज मुझे पता है कि मनी, फेम और पावर तीनों चीज़ें आपके पास है। पैसा आपके पास है, पावर आपके पास है, सत्ता आपके पास है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घिनौने करते करते रहोगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। आप लोगों ने जिस तरह का घिनौना करते किया, करते करने के बाद जिस तरह से आप रोज झूठ बोल रहे हो, कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे थे चलो मामला हाई कोर्ट के अंदर है, जो भी उच्च न्यायालय फैसला करेगा हमें मान्य होगा। लेकिन आप तो हर वक्त हिंदुओं को नीचा दिखाने में लग गए। आप हर वक्त फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे किस तरह से हमारे हिंदू भाइयों के साथ गाली गलौज कर रहे हो। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन से लेकर आज तक मैंने इस काम के अलावा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि फर्स्ट डे से कहता आ रहा हूँ कि हमें राजनीति नहीं करनी इस मामले में। राजनीति करने के लिए हमें मंच और माइक बहुत मिलेंगे, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी असूलों से, क्योंकि मामला इतना संगीन है और कुछ रसूखदार लोग इसको छुपाने में लगे हैं कि कलंक मिट जाए। अरे आपने गलत किया है, कैसे कलंक मिट जाएगा? या तो आप सामने आके स्वीकारिए ना। क्यों आप बड़े बड़े बयान, 13-13, 14-14 बार आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आप मीडिया में आके अपने आप को कन्विंस कर रहे हो? ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बयान नंबर 6 जो मुलजिम सिकंदर पुत्र मकबूल खान ने दिए हैं, इसकी सेक्शन 27 के तहत मैं आपको एक कॉपी दे दूंगा। जिसने अपना जो जुर्म है वो कबूल ही किया है, कबूल ही नहीं साथ जाकर जहां जिस जगह पे इन्होंने ये छुपाया है वहां से बरामदगी भी करवाई है। सेक्शन 27 के तहत सिकंदर पुत्र मकबूल खां ये कहते हैं कि मेरी उम्र 30 साल, मैं निवासी चिड़िया गांधी का रहने वाला हूं। मैंने गाय के कुछ अवशेष, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने गाय के कुछ अवशेष गांव कागदाना से, यानी गांधी बड़ी के आगे जो बॉर्डर है हरियाणा का बॉर्डर कागदाना, कागदाना से निकलकर एक स्थान पर डाले थे जो मैं साथ चलकर बता सकता हूं। यानी जो सिकंदर पुत्र मकबूल है वो और एक इससे पहले जो बयान और देता है, हमारी गाय माता के अवशेष दो जगह छुपाना बताया गया है, एक गांधी बड़ी की रोही में और एक कागदाना से निकलने के बाद एक स्थान पर छुपाए हैं जो मैं साथ चलकर बता सकता हूं। मीडिया के मेरे मित्र साथियों, मैं पैसे से वकील तो नहीं हूं, लेकिन मैंने जिस तरह का होमवर्क किया है और हमें किसी झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसके बाद के बयान भी आपके सामने रखूंगा। 6 मुलजिम, और आपको एक आश्चर्यचकित बात बताते हैं, इनके अंदर जो 2 मुलजिम हैं उनका हमने FIR के अंदर नाम नहीं लिया था। हम खुद कंफ्यूज थे, हम खुद ये कंफ्यूज थे कि हमने 5 आरोपी की FIR करवाई थी। 5वां जो आरोपी हम मान रहे थे मूसा, वो फरार था। 4 आरोपी पुलिस ने ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिए, तो ये 2 कौन है? ये डाउट हमें बहुत दिन से था। हमारे पास ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं आई, क्योंकि हमारी आदत नहीं कि हम किसी की घर में जा के झाँक के देखें कि क्या हो रहा है। हम तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, गौमाता को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हैं। हमने कहा भगवान न्याय करेगा, गौमाता न्याय करेगी। लेकिन जब FIR लगी, मामला
उच्च न्यायालय में दोबारा गया तो हमें पता चला कि दो मुलजिम और हैं। वो मुलजिम जब इन चार मुलजिमों का रिमांड लिया गया तब इन्होंने बताया कि हमारे साथ इस कृत्य को करने वाले और लोग हैं। तो स्वाभाविक है, पुलिस ने अपनी जांच करी, पुलिस ने जब जांच करी, रिमांड लिया तो ये दो लोग और आए, और ये दो लोग और आए तब हमें पता चला कि ये भी इस घिनौने अपराध में शामिल है, इस कृत्य में शामिल है। पत्रकार बंधुओं, बड़ा दुख होता है कि किस तरह से 11/7 से लेकर आज तक हम लोग न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई बड़ा नेता या हम में से कोई हमशा या पैसे वाली हैं, हम तो केवल घूम सकते हैं, जा सकते हैं। जैसा हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में जाते ही जिस सीआईडी सीबी के जो इंचार्ज थे उनको हाईकोर्ट ने तलब किया, पहले दिन वो आए नहीं, दूसरे दिन जब आए तो जग जाहिर है, क्योंकि अपराध हुआ है ये आप सब लोग मानते हो, एफएसएल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई ये सब लोग मानते हो। एफएसएल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मतलब है कोई ना कोई तो दोषी है, लेकिन सीआईडी सीबी कहती है कि दोषी कोई है ही नहीं। बड़ी विडंबना की बात है कि इस राजस्थान के अंदर जिस तरह से आप कानून व्यवस्था पिछले 4 साल से देखते आ रहे हो, कानून के नाम पर जो नंगा नाच राजस्थान के अंदर खेला जा रहा है वो पिछले 4 साल से जग जाहिर है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो काम सीआईडी सीबी की टीम ने किया है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं, किसी वक्त में इंदिरा जी ने हमारे साधुओं के ऊपर गोली चलवाई थी, तब उन साधुओं के अंदर से आवाज़ निकली थी कि इस कांग्रेस का सर्वनाश होगा। आज कांग्रेस का सर्वनाश हो चुका है। आज मैं आप सब मीडिया के चैनल के माध्यम से, मेरी भादरा तहसील की जो जनता जनार्दन सुन रही है, मैं एक बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने इस घिनौने अपराध में उन पापियों का साथ देने का काम किया है, उनको बचाने का काम किया है, आप एक बार तो अपना मन राजी कर सकते हो, आप एक बार तो मन के अंदर लड्डू फोड़ सकते हो, आप एक बार तो वोट बैंक की राजनीति कर सकते हो, लेकिन मैं आज दुखी मन से ये कह रहा हूं कि आप लोगों का भी सर्वनाश होगा, क्योंकि आप लोग भी पाप के भागीदार हो। जो जो लोग पाप के भागीदार हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर रवि बंसल ने भी कोई पाप किया है तो रवि बंसल का भी सर्वनाश होगा, अगर किसी दूसरे ने भी पाप किया है तो उसका सर्वनाश होना निश्चित है। आपके चैनल के माध्यम से ये बाइट सदा सोशल मीडिया पर रहेगी, आपके कैमरों में रहेगी, आपकी फाइल मैनेजर में रहेगी, आप नोट कर लेना मेरी बात। कुछ लोगों का तो पाप होना अभी शुरू हो गया है, लेकिन सच को दबा सकते हो, लेकिन पत्रकार बंधुओं, सच के पांव नहीं होते, झूठ के पांव नहीं होते, झूठ ज़्यादा लंबे वक्त तक दौड़ नहीं सकता, एक वक्त झूठ को घुटने टेकने पड़ते हैं, एक बार झूठ जमीन पर आकर रेंगने लग जाता है, और जब रेंगता है तो सच की जीत होती है। आपने बहुत से केस देखे होंगे, एक बार सच को दबा दिया जाता है, सरकार, प्रशासन, सत्ता, पैसा बहुत पावरफुल चीज़ होती है, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक सच को दबा नहीं सकते। मैंने जो आपको एविडेंस दिए हैं, मैंने जो आपको प्रूफ दिए हैं, वो मैंने मेरी कलम से नहीं लिखे हैं, मैंने एक्सेल शीट में नहीं बनाए हैं, मैंने घर बैठ के नहीं बनाए हैं,
ये एविडेंस हम 4 दिन 5 दिन पहले भी दे सकते थे, लेकिन हम कतई बर्दाश्त नहीं करते कि आप किसी भी चैनल पे आकर इस तरह से हिंदुओं का मजाक उड़ाओगे, इस तरह सनातन धर्म को मानने वालों का मजाक उड़ाओगे। आप इतनी झूठ, क्योंकि आपको पता है कि कोई पूछने वाला तो है नहीं, जो मर्जी आप चमड़े की जुबान है, जो मर्जी आप बोल दीजिए, आपको कोई काउंटर क्वेश्चन तो करेगा नहीं। अरे आप कह रहे हो कि राजपाल धायल सैंपल लेके आता है, विक्ट्री साइन करता है, रवि बंसल एक बयान देता है वहाँ पे मंच पे कि वाह मेरे शेर आपने काम कर दिया, तो जनाब आधा अधूरा नॉलेज मत रखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान स्वास्थ्य और सेहत दोनों के लिए हानिकारक होता है। सैंपल 11 तारीख को दिया जाता है, रवि बंसल वाह मेरे शेर 24 तारीख को एक सभा में कहता है, तो 11 और 24 में फ़र्क है जनाब। आप थोड़ा पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखा कीजिए, तब जाके आप लाइव आइए। आप लाइव को ऐसा मत समझिए कि आप किसी चैनल या किसी न्यूज़ चैनल पर आप डिबेट दे रहे हो और आप जो मर्जी चमड़े की जुबान से बोले आओगे और आपकी सारी लोग मान लेंगे। हाँ मुझे पता है कि आपका एजेंडा क्या है, आपका एजेंडा है कि आप अरगलन बातें कर ऊंच फजूल की बातें कर 20% 10% लोगों का जो मान मस्तिष्क है वो चेंज कर सकते हो कि यार एक अच्छा वकील है, बोलता भी अच्छा है, उम्रदराज भी है, तो क्या पता सच हो जाए। लेकिन आपने उस इंटरव्यू में जितनी बातें बोली वो सारी की सारी झूठे हैं। मैं इसके बाद भी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, जिस चैनल पे आपने इंटरव्यू दिया था, मैं उस चैनल के पे जाके आपकी सारी बातें झूठी साबित करूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। आप सब अभी मेरे साथी राज्यपाल को सुनेंगे, क्योंकि जिस तरह से राज्यपाल पे अटैक किया जा रहा है, राज्यपाल के बाद मैं मेरी 2 मिनट की बात रखकर आपको प्रूफ देकर आज की इस डिबेट का, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन करेंगे। प्लीज़ राजपाल धायल। अच्छा रवि जी एक सवाल था। जी जी, आपने 5 आरोपियों के अलग अलग बयान बताए पढ़कर, उनमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, सबके पास छुरे हैं, उनका साइज अलग है, तो क्या 5-6 छुरे यहाँ यूज किए गए थे उस बच्ची को काटने के लिए? आपको एक बात बता दूं अनिल जी, कि किसी भी इतनी बड़ी यानी गाय माता हमारी अगर 3.5 से 3 साल की अगर गाय माता है, तो एक छुरे से या एक हथियार से आप इतना जल्दी इतने बड़े चीज़ को एक साथ नहीं समेट सकते। छोटा बकरा या छोटा कोई मुर्गा या कोई और कोई अगर पशु है तो आप उसको एक व्यक्ति दो व्यक्ति कर सकते हो, लेकिन आपको गाय माता के लिए या इतने बड़े कोई भी जानवर, कोई भी पशु, कोई भी इतनी बड़ी चीज़ है, तो आपको अलग अलग छुरे और उसको अलग अलग करना, छोटे छोटे पार्टों में करना, उसके लिए स्वाभाविक है कि सबके हाथों में, और स्वाभाविक है वो वहाँ जहाँ जिस जगह पे काटी गई थी वहाँ पे पहले ये अपना व्यवसाय भी चला रहे हैं, तो हथियार होना स्वाभाविक है। अच्छा आप जो बयान बता रहे थे क्या वो ऑथेंटिक है? एकदम प्रूफ के साथ दिए हमने, ऑथेंटिक है तभी तो, नहीं तो मैं कह तो रहा हूँ, नहीं तो हम क्यों लाइव आते। सेक्शन 37 के तहत ऑथेंटिक जो है वही हमने पेश किया है, कोर्ट से ली हुई है, ये कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है ये, और ये अलग अलग बयानों की ये। अच्छा देखिए आज हाईकोर्ट क्यों एडिशनल साहब जो हैं, जो CID CB के हैं, उनको क्यों तलब करेंगे? जब हाईकोर्ट ने ये सारी चीज़ पढ़ी है तभी तो तलब किया है। ये हम लोगों के दिमाग में जो एक वहम बढ़ा हुआ था, या ये लोग जो वहम डाल रहे थे कि हमने कुछ किया नहीं, वो वहम निकालने के लिए आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस इन सबूतों के साथ करनी पड़ी। आगे आपका क्या कदम होगा? आगे तो 13 तारीख को हाईकोर्ट ने उनको बुला रखा है। हम तो पहले भी कह रखे हैं कि हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, पहले भी कानून को माना है, हम तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप झूठ बोलकर जिस तरह से गुमराह कर रहे हो, इसलिए हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और तथ्यों के साथ कर रहे हैं हम, तो इसमें कोई हम खाली जुबानी थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। आप सबको एक एक कॉपी देंगे, आप इस कॉपी का मिलान कीजिए, आप हाईकोर्ट में या कहीं सर जितनी बातें लिखी गई डिटेल में, तो क्या उन्होंने ये नहीं समझा कि कितना बजे हुआ, कितना टाइम लगा उसमें, ये नहीं लिखा?
नहीं नहीं सारी चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको कॉपी दे दूंगा, आप पढ़ लेना आराम से। आप भी बता दीजिए। नहीं नहीं, इसमें देखिए क्या होता है, अलग अलग बयानों बयान 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 सुनिए, पहले सवाल सुनिए। जैसे कि इसमें छुरे से लेकर पूरे धोने तक का इसमें आप जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें हो सकता है टाइम भी तो होता होगा, कितना बजे? चार से पाँच बजे के बीच। सुनिए जिक्र मैं नहीं, सुनिए मैं कष्ट कर, मैं तो सवाल, हाँ मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ, मैंने नहीं पूछा उनसे। अरे सर सुनिए मैं आपकी बात का जवाब, प्लीज इसमें लिखा है या प्लीज सुनिए, इसमें समय नहीं लिखा हो, मुझे कितना समय लगा, इसने लिखा है हमने चार से पाँच बजे के करीब जो गाय की बच्ची को काटा है उसमें यूज किए हुए हथियार उन्होंने लिखे, आप उसके अंदर एक एक फिक्स टाइमिंग नहीं लिखा, बरामद की है ये, आप इसमें टाइमिंग नहीं आपको कुछ पॉइंट था, उस पॉइंट में लिखा हुआ था कि चंपा देवी और रमेश फोगला की जो सामने का मुस्लिम पक्ष है उनके साथ बनते ही नहीं थी, और ऐसे में जब उदयपुर की घटना हुई थी उसके 10 दिन बाद रमेश फोगला नामक किसी व्यक्ति ने उनके खिलाफ कोई शिकायत भी दी थी और पुलिस ने उनको पाबंद किया था, उसके बाद चंपा देवी ने उनके समझौता कराया था, ऐसा कुछ उसमें से नहीं। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये बात सच है कि रमेश फोगला की और वहाँ की एक कोई किसी स्थानीय व्यक्ति जो अल्पसंख्यक समाज का है उसने इनकी दुकान के आगे से जब ये खड़े थे तो एक डायलॉग मार के वो गया था कि अभी तो ट्रेलर है फिल्म अभी बाकी है, ऐसा कुछ करके गया था, तो स्वाभाविक था आमजन में जो भय का माहौल उदयपुर की घटना के बाद था तो उसका स्वाभाविक था कि पुलिस के अंदर इतला करना, अगर आप मान लो पुलिस के अंदर इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं दोगे और कल को ऐसी उदयपुर वाली घटना और घटित हो जाती है तो हम लोग अगर कोई आवाज़ उठाने वाले होते तो वो कहते कि अगर इतनी बड़ी बात थी तो पुलिस को इनको सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं है कि चंपा देवी ने उसका फैसला करवाया या मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति से इनकी या बुआ की या मेरी किसी से बनती नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब बुआ ने अपना पहला बयान दिया था तो बुआ ने कहा था कि मौलवी भाई साहब के घर, आप सब पत्रकार बंधु बड़े सुलझे हुए बड़े पढ़े लिखे हो, अगर मेरी किसी के साथ द्वेषता है तो मैं उसके उल्टे मुंह बात करूंगा, सुलटे मुंह बात नहीं करूंगा, लेकिन चंपा देवी ने कहा कि हरुण मौलवी भाई साहब, भाई साहब कहने का मतलब है कि उनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है, आप ऐसे ही किसी को भाई साहब संबोधित नहीं कर सकते, अगर मेरी गुलशन जी के साथ नहीं बनती है तो मैं गुलशन या कहूँगा, गुलशन जी नहीं कहूँगा, तो आप देख लीजिए कि उनकी बनती थी कि नहीं बनती थी। और ऐसा नहीं है, हमारा सदियों से अल्पसंख्यक समाज के साथ भाईचारा रहा है, हम त्योहारों पे उनके घर, वो हमारे त्योहारों पे हमारे घर आना जाना रहा है, हमने इस घटना के बाद भी मेरे आप सुन लीजिए, जब आंदोलन हुआ तब मेरी आप स्पीच सुन लीजिए, मैंने साफ तौर पर यह कहा था कि हमारी किसी भी समुदाय के साथ किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ दुश्मनी नहीं है, हमारी उन 5-6 व्यक्तियों के साथ जो इन्होंने घिनौना काम किया है, बल्कि हम नहीं आपका समाज जाकर उनको दोषी या उनको सजा दे दीजिए, आप सब लोग यहाँ हमारे पास धरने पर आकर बैठ दीजिए, ये मैं बार बार कहता हूँ, हमारी किसी के साथ द्वेषता नहीं है, हम किसी के साथ जातिवाद या इस तरह की बातें नहीं करते हैं, मेरा बहुत मेरे दादा के टाइम का हमारे साथ इन लोगों के घरों में आना जाना रहा है, बहुत अच्छे हमारे रिश्ते रहे हैं इन लोग, ये लोग हमारी ज़मीन बातें हैं, हम इनकी बातें हैं, मैंने कहा ना ईद पे हम जाते हैं और होली दिवाली पे ये आते हैं, तो हमारा तो भाईचारा था, लेकिन भाईचारा ख़राब करने का काम किसने किया, हमने तो बल्कि उसके बाद भी ये कहा है कि आप इस मंच के माध्यम से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हमारे इस धरने पर बाकी सब लोग आ जाइए, आप सजा दीजिए, हम कोई सजा नहीं देंगे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है गुलशन जी। हाँ सर, सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को राम राम। ऐसा है हर बार जब भी कोई डिबेट देता है चाहे वो कोई भी हो, सबसे पहले आता है प्राइवेट आदमी, वो प्राइवेट आदमी मैं बता देता हूँ, मैं खुद राजपाल दयाल हूँ, एक ही बात सामने आती है कि जो प्राइवेट सैंपल कहाँ से लेकर आया, वही पॉजिटिव क्यों आया, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक पॉजिटिव नहीं हुआ है, 7 अभी बाकी हैं जो अनिर्णित हैं, और जो मैं लेके आया ये बोलते हैं बाहर से लेके आया, कभी बोलते हैं मुसलमानों के घर से लेके आया, पहले ये खुद बोल रहे थे कि ये आमिन के घर के से लेके आया, उसकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, उन्होंने ऐसे ही दे दिया। अब अभी भाई साहब ने बोला कि उनके घर तो मौलवी साहब का लड़का वो देखे ही नहीं आया, तो ये साबिरा मैडम है जिनके घर से मैं लेके आया, मुश्ताक की वाइफ,
जिनके हाथ से मैंने लिया, उनके खुद के बयान हैं। मैंने फ़ोन पे उनसे बातें करवाई है, उनके पति ने बात करके उन्हें मेरे को सौंपा है, सर्टिफाइड कॉपी है कोर्ट की। दूसरा मुश्ताक का बयान है, उन्होंने खुद अपनी जुबान से बताया है कि राजपाल ने मेरे पास 8:29 पर कॉल किया, 8:31 पर मेरी वाइफ से मेरी बात हुई और सैंपल मैंने देने के लिए बोला, राजपाल को मेरी वाइफ ने सैंपल दिया, मैं लेके आ गया। और दूसरा है, जब ये दोबारा SIT ये जो आती है CBI CD उसमें जो बयान देते हैं, महाजन है जो बड़े वकील साहब, उन्होंने उनके बयान चेंज करवाए हैं, वो हाई कोर्ट में उनको पता चलेगा कि बयान क्या होते हैं और पहले क्या बोलते हैं बाद में बोलने का नतीजा क्या होता है। बाद में सर क्या बयान दिया? उन्होंने बाद में बयान दिया कि खुद मैंने दिया है राजपाल को। और अदरीस वकील जो अभी परसों ही आ रहा था, डिबेट दिया था, उसमें बोला था कि उसके घर तो मौलवी का लड़का आया ही नहीं है। जब उनके घर मौलवी का लड़का ही नहीं आया है तो उस लड़के ने मेरे को कैसे दे दिया? वो तो सारा प्रूफ भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। और उसके पास में सीसीटीवी की सर जिक्र, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे के अंदर, सब कैमरे के अंदर मौलवी का लड़का देते हुए जाता है बाइक के ऊपर, बाइक पास में खड़ा है, उस पर एक लड़का बैठा है जो बाइक चला रहा है, वो लड़का देता है। उस टाइम हम साइड में खड़े रहते हैं, जो है वो लड़का वापस निकलता है, मैं घर में जाता हूँ। वाकायदा लड़के जो लड़का है मुश्ताक, उससे फ़ोन पे बातें करते हुए जाता हूँ, जाते ही उसकी बीवी से बात करवाता हूँ, उसको स्पष्ट तौर पे कहता हूँ मैं मुश्ताक को कि हमें शक है कि ये जो हारून मौलवी का लड़का अनवर है जो तेरे घर अभी मीट दे रहा है वो गाय का है, हो सकता है, तो हम उसकी जाँच करवाना चाहते हैं। पहले वो मना करता है, उसके बाद वो इस बात पर सहमत होता है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर तुमने नहीं दिया, ये सैंपल हमें अलग से मिला और जब अगर गाय का निकला तो आप भी गुनाहगार होंगे। इस बात से वो कहता है मेरी बीवी से बात करवा दो, वो मेरे को देता है, मैं सैंपल लेता हूँ, सैंपल ले जाके मैं पुलिस को सौंपता हूँ। ये है ओम प्रकाश जी, थानेदार जी हैं, जिन्होंने पूरा राजकुमार जी थानेदार जी जांच अधिकारी थे, जिन्होंने उनके घर से पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है सब A to Z से 7 सैंपल ऐसे पर कोई राय नहीं देते हुए लौटाए जाने पर पुनर्आरक्षण किया जाता है कि 20/7/2022 को ऐसे पर भिजवाए गए थे। आरोपी अनवर अपनी मोटरसाइकिल से मुश्ताक के घर पर मांस देना, मैं मुश्ताक राजपाल दायल के द्वारा मुश्ताक के घर से मांस प्राप्त करने की पुष्टि होती है, पेन ड्राइव में डालकर कब्जा में पुलिस लिया जाता है। प्रकरण में आरोपी फारूक पुत्र मकबूल खां, रजाक खां पुत्र खां मुंशी का पूछताछ किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार शुदा 6 अभियुक्तों की CDR प्राप्त कर सभी की CDR का विश्लेषण के जरिए फर्द विश्लेषण मुर्तिब की गई है। जब मैंने वो सैंपल दिया, अब ये कहते हैं कि राजपाल कहाँ से ले गया, स्पष्ट है कि मैं कहाँ से ले गया, मेरा इतना कोई बड़ा कारोबार भी नहीं है, इतना ज़्यादा कोई धंधा नहीं है, मैं आया, मेरे को पता चला बुआ के मार्फत, पहले गाँव के मार्फत पता चला, फिर बुआ से पूछा। हमारा एक छोटा सा सिंपल सा मकसद था कि हम सैंपल लेते हैं, उसकी जांच करवाते हैं, अगर वो सैंपल गाय का निकलता है तो हम पुलिस कार्रवाई करवाते हैं या पंचायत में जैसे भी हम कोई कार्रवाई करवाते हैं, ताकि अगर कोई गाय काटता है तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, हमारा थोड़ा सा ये फंडा था। लेकिन इन्होंने खुद इन मुसलमानों ने जो इनके वकील हैं कुछ राजनेता हैं, इन्होंने जानबूझकर इस मामले को ज़्यादा बढ़ाया। अब रही बात है, ये कहते हैं भी राजपाल दोषी है, तो मैं दोषी हूँ तो कार्रवाई करवाओ, नार्को टेस्ट करवाओ, CBI जांच करवाओ। जब CBI का और नार्को टेस्ट का नाम लेते हैं तो इनको ये कांपने क्यों लगते हैं? मैं तैयार हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे कुछ सज़ा मिलेगी, मैं तैयार हूँ सज़ा भुगतने के लिए, नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, CBI जांच करवाने के लिए तैयार हूँ, कोई भी तरीके की जांच करवाना चाहे मैं तैयार हूँ। राजपाल जी, आप पर एक आरोप लगाया, पूरे कस्बे में ये भ्रम है कि आपने वो सैंपल चेंज कर दिया था और करीब 1.5 घंटे तक आपने जिस मोटरसाइकिल में डिग्गी में बैग में वो सैंपल रखा था वो कोई दूसरा लड़का लेके चला गया और वो गौशाला में गया और वहाँ कोई गाय मरी हुई थी उसका सैंपल उसमें डाला गया और वो पुलिस को दिया गया। सर, बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है। जो सैंपल मैंने उसके घर से लिया वो मेरी बाइक से कहीं नहीं गया, मेरी बाइक पूरे दिन बस स्टैंड पे रही, कहीं नहीं गई, कैमरे के सामने रही, पूरी CDR जहाँ जहाँ मेरी बाइक गई है उनकी DVR पुलिस के पास बरामद है अभी भी, और एक ऑन रिकॉर्ड है, DVR अभी तक उनको वापस नहीं दी गई है, वो तो काम पुलिस का है।
इसको लेकर बोल रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा थर्ड डिग्री भी दी गई, आपके साथ मार पिटाई भी की गई। बिल्कुल। तो हाथ तक तोड़ा गया है मेरा। तो आपसे क्या पूछा गया था, कुछ उसके बारे में बताइए। यही पूछा गया था कि सैंपल आपने चेंज किया था या नहीं किया था। ठीक है, अगर मैंने सैंपल चेंज किया होता, इतनी थर्ड डिग्री होने के बावजूद, जितनी मेरी थर्ड डिग्री ली गई थी इतनी होने के बावजूद, क्या मैं टिक पाता अगर मैं सच्चा नहीं होता तो? आप ही बताइए, कोई इतनी मार खाने के बाद झूठ बोल सकता है क्या? मेरी फुटेज है, मैं आपको सौंप दूंगा, दिखाऊंगा। वैसे तो मैंने मीडिया में डाल भी रखी है, जिस तरीके से मेरे को पिटा गया था, उतना पिटने के बाद शायद ही पत्थर बोलने लग जाए, कहावत है। इस सारे प्रकरण के पीछे फिर आप साजिश क्या मानते हैं, किसकी साजिश मानते हैं, इसको दबाया जा रहा है? ये तो राजनेताओं की और कुछ रसूखदारों की साजिश है। तो राजपाल जी, क्या फायदा होने वाला है, जो दबाना चाह रहे हैं उनका क्या फायदा इसमें? सबको बड़ा वोट बैंक दिख रहा है, वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति है साहब, सबको पता है। सबको आज मोहम्मदन के जो वोट बैंक है वो इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं। सुनिए, अगर दबाना होता तो आप वाला ही क्यों, उसमें तो वो तो सारे नेगेटिव ही डाल देते हैं, पॉजिटिव की क्या जरूरत? सर ये भी एक बात बता दूं, मैं शायद ये भी एक भ्रम में रह गए थे कि कुछ लोग इसको चेंज करना चाहते हैं, कुछ हो जाए, शायद वो सैंपल भी नहीं आए, इसी भ्रम के चक्कर में मेरे हिसाब से ये आ गया, वरना तो पॉजिटिव आना हमें भी संभावना नहीं थी, क्योंकि हमें भी जब तक रिपोर्ट नहीं आती ना, हमें भी विश्वास नहीं था कि पॉजिटिव आएगा। नहीं सर, आप क्या हाईकोर्ट में पुलिस को भी सर दोषी बनाएंगे, क्योंकि प्रेस नोट जारी कर देते हैं कि कई सैंपल पॉजिटिव पाए गए और फिर एक पाया गया, तो सर दोनों में बहुत अंतर सर है, वो काम है, वो काम कानून का है। ठीक है, कानून कोर्ट ने बुलाया है सैंपल अधिकारी को, वो कोर्ट का काम है, न्यायालय के बीच विचाराधीन है मामला, वो कोर्ट का काम है। जो जांच अधिकारी थे आसाराम चौधरी, उनको हाईकोर्ट ने तलब किया, हाँ, वो याचिका क्या हाईकोर्ट पे आपने लगाई थी? जी हाँ जी, वो आपकी याचिका? बिल्कुल याचिका है सर, क्योंकि जिन्होंने आनन फानन में कैसे किया, क्यों किया, वो तो वो जानते हैं, कोर्ट में जवाब भी दे देंगे, आपके सामने जल्दी खुलासा भी हो जाएगा। आपने पुलिस से कोई इस प्रकार की मांग भी की है अपनी सुरक्षा की? नहीं साहब, मेरे को इतनी चिंता नहीं है, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है कि कोई मुझे मार देगा, या कोई मार भी देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई धमकी के आपके पास कोई फोन आया? नहीं नहीं साहब, अभी कुछ नहीं। नहीं नहीं, धमकी कोई नहीं देता मेरे को, क्योंकि आपने जो एविडेंस आज दिखाए हैं रवि बंसल और आपने, उसके बाद में भादरा में क्या होने वाला है, किस प्रकार की आगे पोजिशन आने वाली है, क्या इसका अंदाजा आपको है? हमारा तो यही अंदाजा है कि माहौल थोड़ा शांत होगा, ये लोग जो रसूखदार लोग हैं ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये एक हिंदुओं को भ्रमित नहीं कर रहे, ये मुसलमानों को भी भ्रमित कर रहे हैं। बहुत से मुसलमान लोगों को ये तक पता नहीं है, हकीकत नहीं पता कि हाँ वास्तव में गाय कटी थी या नहीं कटी थी, वो ऐसे उनके साथ आ रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, उन लोगों को स्पष्ट पता होना चाहिए कि वास्तव में हकीकत क्या है। इस कॉन्फ्रेंस के पीछे हमारा किसी की भावना के साथ खेलना या किसी को दोषी करार करना ये नहीं है। हम ये चाहते हैं कि लोगों की बातों में ना आए, सिर्फ कानून का साथ दें, विचाराधीन है मामला, हाईकोर्ट के अंदर है, हाईकोर्ट में जो भी फैसला आएगा सबको मंजूर होगा। राजपाल जी, एक बात और चर्चाओं का विषय है, और दबी जुबान में वो बातें होती रहती है कि एक नहीं दो नहीं, यहाँ तो सैकड़ों गायें कटी हैं। देखो साहब, एक सामने आई है और क्या हुआ है वो तो मालिक जाने, या जो जिन्होंने किया है वो जाने, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। रवि जी, जब ये आपने सबूत इकट्ठा किए हैं और बताया जा रहा है कि आपके द्वारा भी बताया गया कि इन्होंने आरोपियों ने कबूल किया है इस तरह से, और उसके बाद अभी कुछ समय पहले कोर्ट ने ये कहा कि ये पूरी घटना जो है ये झूठी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने मेरे फर्स्ट प्रवीण भाई, मैंने बताया ना कि सारी चीज़ें पेश कर, आज यही तो एक सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि जब हाई कोर्ट और निचली अदालत ये कहती है कि आप आपको जमानत नहीं मिल सकती क्योंकि आप गो के हत्यारे हो, और बड़ी एक विचित्र बात है कि दो बेटों का एक पिता चला जाता है और उसके बावजूद उन दोनों की अप्लीकेशन लगाई जाती है कोर्ट में और वो भी खारिज कर दी जाती है, तो आप सोचिए कि जो FR लगाई है उस व्यक्ति ने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि आप इतने आनन फानन में FR लगाने की क्या जरूरत पड़ी आपको। नंबर दो बात, जैसा कल मेरे
बार बार मैं जिन वकील साहब का जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमने बेल लगाई और एप्लीकेशन वापस ले ली क्योंकि हमें पता चला कि FR लगने वाली है। तो क्या आपकी पहले सेटिंग हो चुकी थी? बड़ा ये मेरा, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये मेरा सवाल पत्रकार बंधुओं, कि उनका एक वकील साहिब कहता है कि हमने एप्लीकेशन लगाई जमानत याचिका की, हमने एप्लीकेशन वापस ले ली, वापस अंतरिम लगाई थी, वो इसलिए ले ली कि हमें लगा कि FR लगने वाली है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कानून या जज की कुर्सी पर वो वकील बैठे हैं या वो जो डिबेट कर रहा है वो व्यक्ति बैठा है, उनको कैसे पता चला कि FR लगनी है? इसका मतलब तो सेटिंग हो चुकी थी पहले। सर ऐसा भी सुनने में है कि जो प्रतिवादी थे या जो जस्टिस गवाह जो चंपा देवी थी उनको इतला नहीं किया गया FR पेश करने से पहले? नहीं, उनको क्या, नहीं नहीं किसी को भी नहीं। गुलशन जी, जिस तरह से वो हमसे बयान ले रहे थे ना, हमने जब मेरे बयान हुए, जब मेरे साथियों के बयान हुए, हमें 6-6, 7-7 घंटा बैठाए रखा, हमें उनकी बातों से लग रहा था, क्लियर कट था, हमें उनकी बातों से इसलिए लग रहा था कि जैसे मुझे उन्होंने एक सवाल पूछा कि रवि जी क्या 5 लोग गाय को काट सकते हैं? मैंने कहा साहब 5 लोग तो ऊँट को काट दे, वो तो गाय है। जैसे मेरे साथी रमेश फोगला को कहा कि तुम ये बोल देना बयान में कि मेरी माँ की तो आदत है इधर उधर की बातें करने की, हमने तभी जज कर लिया था। लेकिन हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, हमने कहा चलो जो भी होगा हम एंड तक जाएंगे, इस केस में जो भी हो जाए न्यायालय जो फैसला करेगा वो सर्वमान्य होगा, हम ऐसे किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लड़ाई झूठ और सच की लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर आज हमारी सारी चीज़ लगी हुई है कि भैया गाय काट दी, FR भी लगा दी, आप लोग हम पर टोन भी कस रहे हो, आप हिंदुओं को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की भी कोशिश कर रहे हो, तो जनाब सारी चीज़ें तो नहीं चलेगी ना। इसलिए वकील साहब का ये कहना कि हमने एप्लीकेशन वापस ले ली थी क्योंकि हमें पता चल गया था कि FR लगनी है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेटिंग करने तो ये SIT की टीम से, SIT की टीम के साथ मोती प्लेस भी गए थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उस बहादुर पुलिस वाले का जिन्होंने ये कहकर इनको वापस कर दिया कि आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। तब इनको लगा कि भैया दाल गलने वाली नहीं है, आनन फानन में जयपुर चले गए, जयपुर जाके इन्होंने CIDCB एक जांच गठित करवा के ये उस अधिकारी को लेके आते हैं, और उन अधिकारियों के तो आप YouTube पर जाकर वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह के वो फैसले सही करते हैं या गलत करते हैं। मैंने कहा ना, अगर उन्होंने गलत किया है तो ईश्वर उन्हें भी माफ़ नहीं करेगा, गौ माता उन्हें भी माफ़ नहीं करेगी, ये हम अंदर से हमारी जो बद्दुआएं हैं वो निकल रही है, क्योंकि इन मामलों के अंदर आपको कहीं ना कहीं, हाँ कोर्ट नहीं, न्यायालय नहीं, हम लोग नहीं, तो ईश्वर दोषी मानेगा। रवि जी सवाल कई है, धीरे धीरे से जवाब देना। मामले की जांच होगी तो आज एक कॉन्फ्रेंस को क्या मतलब रह गया, क्योंकि जांच हो चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है, फिर दोबारा थे बयान पड़े हो तो हम इकट्ठे के तथ्य रखने लग रहे। देखिए साहब, जांच अधूरी है और अधूरी जांच को हम पूरा कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय तक भागते गए। उन्होंने जो जांच करी है उसको हम सत्य कैसे मान लें? सेक्शन 27 क्या कहता है उसको पढ़ लीजिए। पुलिस ने अपना काम बखूबी किया, अच्छा किया, एकदम से CIDCB आके कहती है कि नहीं जी, जो पुलिस ने काम किया वो गलत किया। यानी आपस में पुलिस का ही टकराव तो है। उच्च न्यायालय जरता ही हमारी सूचना है, हमारे सूचना आई है, मैं वकील साहब को एक इंटरव्यू लिए हुए मैं दौरान कही गया कि उच्च न्यायालय में आपकी कोई रखी को नहीं बात, मैं तो सिर्फ केस ने बुरहान खातर गया है, उच्च न्यायालय के अंदर मैं कोई अपील को नहीं, पी एम मामले की CBI जांच हो या कुछ और हो है। दूसरी बात यह है कि थे बार बार CBI जांच की मांग कर रहे हो, अब आरोप यह है कि CBI जांच की मांग कभी खारिज हो चुकी है, तो BJP सरकार के मौके की सरकार केंद्र में है, वो गृह मंत्री अमित शाह जी है, वहाँ कोई वर्तमान जो सांसद है वहाँ लिखित में दे दिए भी मामले की CBI जांच को नहीं, तो फिर के आधार पर CBI जांच कर रहे हो? सर मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दे रहा हूँ जी। मैंने, आपने पहले कहा कि वो कोर्ट में गए, उन्होंने कोई मांग नहीं की, तो
हाईकोर्ट ने आसाराम जी को तलब क्यों किया अगर हम कोई मांग ही नहीं करते तो? मेरी बात से सहमत हो जी। नंबर दो बात आपने कही कि सीबीआई की जांच माननीय राहुल जी कसवा ने करी और अमित शाह जी का एक लेटर आया खारिज कर दी। मैं फिर कह रहा हूँ उन्होंने 13 बार झूठ बोला है, या फिर अगर उन्होंने झूठ नहीं बोला तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आप ही उसके अंदर न्यूज़ वाले होंगे। मैं उस 13 की 13 की बात को खारिज करता हूँ, क्योंकि राहुल कसवा जी ने केवल लोकसभा के अंदर क्वेश्चन लगाया था, पर्सन उठाया था, उन्होंने अमित शाह जी को सीबीआई की कोई बात ही नहीं करी, उन्होंने कोई लेटर ही नहीं दिया। क्योंकि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप तथ्य पे बात कीजिए जनाब। तथ्य की आवे तो यह भी है कि राहुल कसवाई वह सांसद है जिसका पहली बार मांग उठा, एक है जो सैंपल जो पॉजिटिव आया वो प्राइवेट सैंपल है, तो वांगी भी वाहवाही हो रही है कि वहाँ बात ने क्लियर कर दी कि आएंगे पीछे षड्यंत्र के, आएंगे पीछे रचना के। साहब मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले दिन एक इंटरव्यू में भी आपको यही सेम क्वेश्चन शायद किसी पत्रकार बंधु को दिया था, उनकी इस जवाब को तोड़ मरोड़ने की बजाय आप समझिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सीधा सीधा पुलिस की जो मंशा थी उसके ऊपर सवालिया निशान पैदा किया है कि राजस्थान की जो पुलिस है वो किस तरह से काम कर रही है, कि जो वहाँ का जो घरों में बांटे गए वहाँ से जो सैंपल लिए गए वो तो पॉजिटिव आते हैं और पुलिस कहीं ना कहीं नकारा साबित होती है, कहाँ से सैंपल लेती है जो नेगेटिव साबित होती है। आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, आप उसको दूसरे वे में मत जाइए, क्योंकि ये लोग जो घुमा रहे हैं वो दूसरे एंगल से देख रहे हैं इसको। उन्होंने जो बात लोकसभा में कही वो अपने आधार पे कही, तथ्यों के आधार पे कही, वो सही तो बोल रहे हैं। आप जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस एंगल से बोलिए ना। नहीं, आपने 5-6 के सबके बयान बताए थे रवि जी, और उन बयानों में उन आरोपियों ने स्वीकार किया है इसको कि हमने गाय काटी जी, ये छुरा था जी, तो होकर वहाँ छुपाया है जी, संभवतः पुलिस ने वो बरामद भी किए होंगे जी, बरामद के बाद में पुलिस द्वारा जो कलेक्ट उनके घर से या जहाँ से सैंपल किए जाते हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है। साहब जब दूसरी SIT टीम आती है ना तो वो 7 जो सैंपल अनक्लूकेट दिखा रहे हैं, जो अनिर्णित दिखा रहे हैं, अनिर्णित का क्या मतलब होता है, या तो मिक्स है ये दे देते, या पॉजिटिव या फेल, या पॉजिटिव है या नेगेटिव दे देते या फेल है। आपने ये कहा कि जी 7 सैंपल का कोई अता पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा। 1000 साल पुराना कोई पेड़ होता है ना, यहाँ 1000 साल पहले कोई पेड़ लगा था, आज अच्छी बिल्डिंग बन गई, आप इसके नीचे जाकर इसकी मिट्टी निकालिए, FSL रिपोर्ट बता देगा कि यहाँ पे पहले पेड़ था, टाली थी, बरगद था, पिपल था। बिल्कुल वो पैमाना तो, होता है। तो आप 1-1.5 महीने पहले की वारदात को आप कहते हो अनिर्णित है। सब कैसे अनिर्णित हो सकते हैं, यानी आप किस तरह से बेवकूफ़ बना सकते हो। आप समझिए कि जो बाघ की FIR लगने की जो बात है उन्होंने बहुत जल्दबाजी की है, उनको थोड़ा संयम बरतना चाहिए था, बहुत जल्दबाजी की उन्होंने FIR लगाई। झूठ की बात कर रहा हो, एक एक बात करके बताऊंगा झूठ कौन से जी। मैं ये चाह रहा था राजेंद्र भाई कि मैं आपके चैनल के माध्यम पे आऊं, क्योंकि ये जो हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो केवल और केवल आज इस मुद्दे पे रखी है। मैंने अलग अलग उनके पॉइंट बना के बहुत, मैं आपको एक एक कॉपी दे दूंगा, अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। बाकी मैं आपके, हाँ एक चीज़ और मैं आपके सामने, ये पुलिस ने गाय का सिर माना है, ये मैं आपको बाद में अभी बताना भूल गया, ये जो पुलिस की ही एक कॉपी है, ये गाय का सिर पुलिस ने माना है, जो एविडेंस है इसमें ये पुलिस ने गाय का सिर माना है। अब मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, मैंने फिर कहा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो मैंने कहा हमारा कोई मकसद नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, जिस तरह से आप लोग चैनलों पर आकर सोशल मीडिया के थ्रू हिंदुत्व के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप हिंदुत्व के ऊपर टीस मार रहे हो। आपने कहा कि महेंद्र गुज्जर और छोटूराम डूडी मेरे घर आए थे चाय पीने के लिए, वो अभी आपके चैनल के माध्यम पे आएंगे, उस बात का खंडन करेंगे, वो आपके घर जनाब चाय पीने नहीं आए थे। आप क्यों किसी हिंदू को इस तरह से बेइज्जत कर रहे हो कि वो आपके घर चाय पीने आए थे? चाय पीने बुलाइए, हम आ जाएंगे, लेकिन उसको इस तरह से थोड़ी आप डिबेट में शामिल कर लोगे। आप बुलाइए, हम कल आ जाएंगे आपके घर चाय पीने के लिए, आप आ जाइए हमारे घर चाय पीने। लेकिन आपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, वो आपके घर नहीं गए थे, कई सार्वजनिक जगह पे आपकी मुलाकात हो गई, तो आप उसको इंटरव्यू में ये कह दोगे कि वो मेरे घर चाय पीने आए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कहीं ना कहीं आहत पहुंचा रहे हो ना हमें। इसलिए राज्यपाल ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि वो ना केवल हिंदुओं पर कटास कर रहे हैं, वो अपने मकसद के लिए, क्योंकि जग जानता है कि पिछले 20 साल से के अंदर वो मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं,
चाहे राज किसी का है चाहे सत्ता किसी की है, वो मीडिएटर रहते हैं, वो थाने में वो MLA के सबके वो मीडिएटर रहते हैं। आज भी वो वही भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं और उनका तो काम है ये भूमिका निभाना। इन बड़े बड़े लोगों को ये गुमराह कर देते हैं, वो लोग उनको कह देते हैं कि हाँ जी हमारे वकील साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे कर क्या रहे हैं, पर्दे के पीछे देखिए तो सही। हाँ एक चीज़ के लिए मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि जब कोर्ट के अंदर करीबन करीबन 70 वकील पूरा बार संघ इस बात को स्वीकार कर चुका था कि हम ये केस नहीं लड़ेंगे, तब श्रीमान अदरीस वकील ने केस लड़ा। मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने समाज के लिए, उन्होंने अपने धर्म के लिए सब कुछ दरकिनार कर दिया और केस लड़ा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हिंदुओं आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए कि अब धर्म पहले है। उन्होंने अपने धर्म के लिए बार संघ से पंगा ले लिया। कई एडवोकेट महोदय ने साथी बंधुओं ने इस्तीफा दे दिया था लेकिन उन्होंने बिना परवाह किए हुए केस लड़ा क्योंकि उनको धर्म प्यारा था। सबका धर्म अपने अपने को प्यारा है, उनका धर्म उनको प्यारा है, हमें भी अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए। जब जैसा कि कॉन्फ्रेंस शुरू होने के बाद आपने कम से कम 40 से 50 बार हिंदू मुस्लिम इसके बगैर भी आप बात कर सकते हैं अपनी बात। नहीं, आज का एजेंडा क्या है साहब, आज का एजेंडा आप देखिए, आपने जिनको आरोपी बनाया है क्या उसमें सभी मुसलमान आते हैं? नहीं आते ना, तो फिर इसमें मैंने मेरी एक बात मैं बोला नहीं है कि सभी, मैंने कहा सभी नहीं, तो सभी मैं बार बार ये भी तो बोल रहा हूँ कि सभी नहीं। देखिए या तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं क्योंकि आप मैं तो हिंदू मुस्लिम कभी करता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको कहा हमारे जहाँ ये भादरा क्षेत्र है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक जगह रहते, एक जगह रहते हैं, सही बात है। हाँ सब रहते हैं लेकिन आपने बार बार ये भादरा में नहीं, हम तो गांव में भी एक साथ रहते हैं। सर ये जो हम हमारे चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे जितने भी साथी देख रहे हैं तो हम यही चाहेंगे। अच्छा मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के सुनिए निर्दोष उनका जिक्र करिए सर। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं जी। क्वेश्चन मेरे अपने बीच में छोड़ दिए, मैंने कहा तेरा झूठ आप बार मैं आपको समय दूंगा इस तेरा के ऊपर। हम एक लाइव आप चाहे मेरे से कल टाइम ले लीजिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने केवल और केवल आज सबूतों के साथ पेश करी थी। आप इन तेरा के ऊपर मुझे जब भी कहोगे आज के बाद कल परसों जब भी मैं आपको समय दूंगा और उन तेरा की तेरा बातों को आपको प्रूफ के साथ झूठ उनका पर्दाफाश करूँगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये भी कहना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। जो चीज़ है, जो फैक्ट हैं उसको स्वीकार कीजिए। मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है और आप सब पत्रकार बंधु आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमसे क्या आज पॉजिटिव नेगेटिव वाली आज इसके लिए कर तो नहीं कौन ये अभी आपने बोला भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो एक ही पॉजिटिव आया, एक पॉजिटिव कौन सा आया जो मेरे पास से लिया गया था, तीन नेगेटिव आए जो खुद हारून मौलवी का लड़का अपने घर से लेके पुलिस को सौंपता है। आप भी जानते हैं कि सही चीज़ जब पता है कि गाय काटती है तो वो गाय का मांस नहीं देगा, वो वही देगा जो उसे पता है कि ये गाय का नहीं है। सैंपल नंबर 1, 2 और 3 तीनों कालूराम जी SI को दिए गए थे, जो सैंपल उसके लड़के ने खुद गाड़ी में लाके रखे हैं उनमें से 3 सैंपल लिए गए थे। एक सैंपल जो पॉजिटिव आया वो मेरे द्वारा दिया गया था, बाकी के बचे हुए 7 सैंपल जो जांच अधिकारी जो रिपोर्ट आई थी, 3 डॉक्टर थे उसमें, वो आए थे सैंपल लेने के लिए, जो जिन्होंने उस नोहरे से जहाँ से गाय कटी थी वहाँ से जो 7 सैंपल लिए थे वो अनिर्णित हैं। जहाँ संभावना बनती है कि ये पॉजिटिव आएंगे उनका अभी तक फैसला बाकी है। सिर्फ जहाँ संभावना नहीं थी वही पॉजिटिव वही भेजे गए, उनकी रिपोर्ट आई है क्योंकि जो खुद उन्होंने दी है। मतलब राजपाल जी दरकेन को मतलब ये है कि मामलों भी जांच में है, बिल्कुल जांच में है सर, बिल्कुल जांच में। कितनी तारीख की सुनवाई हाई कोर्ट में? 13 तारीख को सभी 7 बचे हुए सैंपल की भी रिपोर्ट आएगी। कोई लिखित में है कि भी इन सैंपलों की दोबारा जांच होगी? बिल्कुल होगी सर, हाई कोर्ट ने तलब किया है, हाईकोर्ट ने बोला है, FSL की टीम को ने स्पष्ट बोला है। तलब की जटने मारकर जानकारी भाई है क्या? नहीं, देखो ये जांच चल रही है, हाईकोर्ट का मामला, हमने रिट लगाई थी,
उस रिट के आधार पर सभी अधिकारियों को बुलाया गया, हमें भी तलब किया गया, वहाँ जो भी होगा वो हाईकोर्ट करेगा। मतलब आपको वो जो है जो जितनी भी जानकारियां उपलब्ध करवाइए वो आपको उपलब्ध करवाएंगे भी ये मामले में? वो जग, जग जाहिर होगी, वो तो जग जाहिर है। अच्छा, जाहिर हमें स्पेशल थोड़ी बुलाएंगे वो। अच्छा अच्छा, वो तो जग जाहिर है। नहीं, कोर्ट देखना चाहता है इस मामले में भी क्या कुछ इसकी सच्चाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट इसकी तह तक जाना चाहता है। असलियत उसके सामने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।